हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस एंड माय नेम इज ललित। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड। जो भी हमारे फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो भी ओबी एग्जाम यानी कि ऑनलाइन एग्जाम देने वाले हैं ओपन बुक एग्जामिनेशन यानी कि ओबीई के मेथड से, तो गाइज उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे तो ऑनलाइन दो या ऑफलाइन दो। इससे रिलेटेड आपके गाइडलाइंस आ चुकी है गाइज, किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, किन चीजों का आपको ध्यान रखना है और क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है, इन पूरे टॉपिक्स पे आज बात होने वाली है। इस वीडियो में आपके ऑल टोटली डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, तो गाइज प्लीज इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें और साथ ही साथ अपने सारे जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन सबके साथ ही शेयर करें, अपने ग्रुप में शेयर करें, जिससे ये इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके सभी फ्रेंड्स को मिल सके। और साथ ही साथ क्या चीज गलती होती है या किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इन सभी बातों इन सभी चीजों के बारे में बात होने वाली है गाइज इस वीडियो में, तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। और अगर आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जो इससे रिलेटेड आपको और वीडियोस मिलती रहे। और साथ ही साथ गाइस, जो भी ड्यू के जो भी न्यू नोटिफिकेशन आने वाले हैं या जो भी अपडेट आने वाले हैं, जो भी आपके एग्जाम से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है, उसकी वीडियो मैं डेली आपके लिए बनाता रहूंगा, तो प्लीज इस चैनल पे बने रहिए। साथ साथ ऑल पे प्रेस जरूर कर लें बेल आइकन के, जिससे तुरंत आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाए। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं कि ड्यू ने क्या नोटिफिकेशन रखी है और उसमें आपको किन चीजों का ख्याल रखना है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ गाइस इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें, जिससे आपके एक एक पॉइंट्स क्लियर हो सके और साथ साथ आपको ओबी एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए और किन किन बातों का आपको रखना है ख्याल। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को गाइस। जैसे कि आपने अगर अभी तक जो भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया है, तो गाइस सबसे पहले अपना जाके एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लें, क्योंकि उसकी लास्ट डेट 28 फरवरी है, जिसका लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि किस तरीके से आपको फिल करना है फॉर्म। अगर आपको तो कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो गाइज मुझे प्लीज कमेंट कीजिए या मुझे इंस्टाग्राम पे आकर आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं डायरेक्टली आपको उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना है उसकी इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, तो गाइज उसको जाकर आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। और गाइज चलिए गाइज बताता हूं मैं कि ड्यू ने क्या गाइडलाइंस अपनी रखी है। गाइज ये गाइडलाइन जितने भी हमारे रेगुलर कॉलेज है, एनसी वेब, जितने भी हमारे एसओएल के स्टूडेंट्स हैं और जो भी हमारे एनसी वेब के यानी कि नॉन कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, चाहे तो वो यूजी कोर्सेज के हों या पीजी कोर्सेज के हों, उन सभी के लिए गाइडलाइन बिल्कुल सेम है गाइज। तो जैसे कि आपको पता है कि आपको सबसे पहले अपना फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये सेल्फ आपको फिल करना पड़ेगा गाइज। अभी तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी पोर्टल पे नहीं आया है, लेकिन जल्द ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पोर्टल पे आने वाला है। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, उसके लिए भी मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है गाइज। जैसे ही आप अपना जो भी आपकी ईमेल आईडी है, जो आपका मोबाइल नंबर है और साथ साथ आपका नेम और आपका रोल जो भी आपका कॉलेज रोल नंबर है, इसी के बिहाफ पे जो आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके पास एक पासवर्ड और आपकी पासवर्ड और आईडी जनरेट होगी और इसी आईडी और पासवर्ड से आप अपना एग्जामिनेशन पोर्टल का फॉर्म खोलोगे गाइज। जब आपके एग्जामिनेशन होंगे या फिर जैसे कि आपके मॉक स्टार्ट होंगे, तो उस समय आपको एक आईडी और पासवर्ड फिल करना पड़ेगा उस पोर्टल को खोलने के लिए, तो गाइज वो आईडी और पासवर्ड आपका उस समय यूज होगा। तो ये आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा कहां से गाइज? ये आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन से, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन अभी आएगा, अभी तक गाइज आया नहीं है। और साथ ही साथ गाइज जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन को आपका मिल जाएगा, तो उसके बाद आपको जैसे ही आपके एग्जाम होंगे, जब आप अपना आईडी और पासवर्ड उस पोर्टल में फिल करोगे, तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा, एक नया पोर्टल खुल जाएगा, जहां पर आपका एक ऑलरेडी आपको ऊपर मेंशन किए होंगे आपको जो भी आपका एग्जाम आपके पूरे नेम एंड आपका रोल नंबर सब मेंशन किया होगा और डेट मेंशन की होगी। साथ साथ आपको जो आपका एग्जाम है उसका क्वेश्चन पेपर भी गाइज आपको वहां अपलोड कर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा गाइज, उसको आप डायरेक्टली वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही साथ डाउनलोड करने के बाद आप उसको जल्दी से आप उसका सॉल्यूशन करके उसको अपलोड करने के नीचे ही ऑप्शन दिए होंगे, जहां पर आप जाके उनको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। तो गाइज फर्स्ट थिंग तो हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन की, जिसपे आपको आपका यूजर नेम और आईडी यानी आईडी और पासवर्ड आपको वहां से जनरेट हो जाएगा। इसके बाद गाइज जब फाइनल डे आपका एग्जामिनेशन का होगा, जब आपको जिस दिन आपका एग्जाम होगा, तो गाइज 30 मिनट पहले ही वो पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करने के एग्जाम से 15 मिनट पहले ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, जिससे आप उसको रीड कर सकते हो एग्जाम देने से पहले। ओके गाइज, एंड साथ ही साथ आप इससे रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम्स होगी, तो आप मॉक टेस्ट जरूर देना, जिससे आपके सारे डाउट्स उसमें ही क्लियरली हो जाएं या जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है वो आप क्लियरली मेंशन आपको पता लग जाए।
थर्ड थिंग्स गाइस, आपका टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगी गाइस? एग्जामिनेशन के टोटल 4 आवर्स मिलेंगे, जिसमें 3 आवर्स आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन आपको पेपर लिखने के लिए, और 1 आवर्स आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा जो होगा गाइस आपको आंसर शीट अपलोड करने के लिए। और साथ ही साथ गाइज इसमें और जो हमारे दिव्यांग स्टूडेंट्स है उनको टोटल 6 आवर्स दिए जाएंगे, उस 6 आवर्स में आप उनको क्वेश्चन को आंसर भी देना पड़ेगा, साथ में उनको अपलोड भी करना पड़ेगा। अब गाइज बात आ जाती है कि आपको आंसर कैसे अपलोड करने होंगे। गाइज जो भी आपको जो पोर्टल मेंशन, आपको पोर्टल जो दिया जाएगा जहां पर अपना क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करोगे, और उन्हीं क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के बाद आपको सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको अपनी आंसर शीट को एक एक करके आपको वहां पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे आप अपने क्या नाम है, जैसे अपने सोशल मीडिया पे आप अपनी फोटो अपलोड करते हो या अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, तो उसी के तहत सिमिलरली ये होगा, वहां पर अपलोड का ऑप्शन आएगा, आप अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना, क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, हर क्वेश्चन के लिए सेपरेट आपको अपना आंसर अपलोड करना है, उनको अपलोड पे क्लिक करके आपको फाइल चूज का ऑप्शन आएगा जहां पर आप जाके आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो। और गाइस किस तरीके से हम क्वेश्चन को अपलोड करेंगे, इसके लिए जब आपके मॉक स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं डायरेक्टली आपको एक सेपरेट वीडियो आपको क्लियरली बना दूंगा, जिससे आपको कोई भी डाउट ना हो इस रिलेटेड कि किस तरीके से अपलोड करना है। बस लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग्स आप ये समझ लो, आपको टोटल 4 आवर्स दिए जाएंगे, 4 आवर्स, और साथ में जो दिव्यांग स्टूडेंट्स उनको 6 आवर्स मिलेंगे अपनी आंसर शीट अपलोड करने के लिए। तो गाइस आप में 3 आवर्स आपके आंसर को क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए, और 1 आवर्स आपको एक्स्ट्रा जो दिया जा रहा है वो आपके शीट को अपलोड करने के लिए दिया जा रहा है। अब गाइस बात आ जाती है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका अगर क्वेश्चन पेपर ही ना आए या ना अपलोड हो तो उसमें क्या किया जाएगा। तो गाइस इसके लिए इस पोर्टल पे डायरेक्टली पहले ही आपको कुछ साइट ईमेल आईडी आपको मेंशन कर दी जाएगी, और साथ ही साथ आपको कुछ आपको मोबाइल नंबर भी दे दिए जाएंगे ओबी एग्जाम के जो इंचार्जेस है जिसको कंडक्ट करा रहे हैं। तो अगर रिसेंटली आपको कुछ प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से अगर आपके पास या तो अपलोड नहीं हो रहा है या आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो उस केसेस में आप डायरेक्टली उनको कॉल कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो, तो वह आपको उसी समय जो आपने रजिस्टर ईमेल एड्रेस दिया है या मोबाइल नंबर दिया उस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या आपको डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर को, और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी डायरेक्टली उसी समय सॉर्ट आउट कर लेंगे। आपके लिए पूरी प्रॉपरली टीम बनाई गई है जो उस समय आपकी हेल्प करेगी। और साथ ही साथ गाइस थर्ड थिंग्स आती है आपकी कि आंसर शीट क्या होनी चाहिए, कैसी आंसर शीट होगी। तो गाइस आपको A4 साइज की एक शीट लेनी पड़ेगी, और उसपे आपको अपने इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे आपका रोल नंबर हो गया, आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर हो गया, एंड आप डेट हो गई आपकी, और आपकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन हो गई, एंड सब्जेक्ट कोड हो गया, आपका सब्जेक्ट क्या है, इन सब चीजों को मेंशन करना पड़ेगा। और साथ साथ में आपको टॉप कॉर्नर पे आपको एक सिग्नेचर करना पड़ेगा, और हर क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट अलग से शीट लेनी पड़ेगी। गाइस ये किस तरीके से होने वाला है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है, बट लेकिन इसके लिए मैं एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो बना रहा हूं कि आपका फ्रंट पेज कैसा होगा, आपको किस तरीके से अपना क्वेश्चन पेपर लिखना स्टार्ट करना है, और किस तरीके से उसको पीडीएफ बनाकर फोटो खींच के अपलोड किस तरीके से करना है, गाइस ये पूरा का पूरा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन को दबा लें, जिससे आपको इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड से पहले ही आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है उसकी पूरी वीडियो के थ्रू मैं आपको सब चीज समझा सकूं। तो गाइस आपको आंसर शीट जो है अपलोड करनी पड़ेगी वहां पर, और आंसर शीट क्या होनी चाहिए गाइस, वो A4 साइज की शीट होनी चाहिए, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप चैनल पे बने रहेंगे तो आपको टोटली पता लग जाएगा। अब गाइस नेक्स्ट थिंग जो उनकी गाइडलाइंस में मेंशन की गई है, गाइस जैसे कि मैंने आपको बता दिया, अब आंसर शीट जो क्वेश्चन पेपर आपको अपलोड करने होंगे टाइम पीरियड दिया गया है आपको, गाइस उसी 3 या 4 आवर्स के अंदर आपको अपलोड करना होगा, उसके बाद आप अपलोड नहीं कर सकते। अगर कुछ स्टूडेंट्स के इश्यूज होते हैं कि नेट नहीं चल रहा या अपलोड नहीं हो रहा टाइम से पहले, तो उस कंडीशन में जैसे मैंने आपको बताया आपको पहले से ही ईमेल एड्रेस दिया जाएगा और आपको कुछ मोबाइल नंबर दिए जाएंगे जहां पर आप डायरेक्टली कॉल करके या तो उनको बाय ईमेल के थ्रू भी आप अपना आंसर शीट सेंड कर सकते हो, बट लेकिन ड्यूरिंग द टाइम के अंदर ही, और अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप कॉल करके भी इन चीज के लिए पता कर सकते हो। तो गाइज और कुछ आपके आंसर शीट सबमिशन से रिलेटेड बाकी, और हाँ गाइज एक चीज और, जो आपके आंसर शीट जो आपको सबमिट करनी है वो पीडीएफ के फॉर्मेट में सबमिट करनी होगी, और साथ साथ आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो 7 MB से ज्यादा एक्सेस ना हो, क्योंकि अगर 7 MB से ज्यादा होगी तो वो फाइल अपलोड नहीं होगी, उसको आपको 7 MB के अंदर ही रखना पड़ेगा। लेकिन अब आप इसको किस तरीके से मैनेज करेंगे गाइस, जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है कि किस तरीके से पीडीएफ आप बनाओगे, किस तरीके से अपलोड करोगे, और साथ ही साथ उसको किस तरीके से रिड्यूस करोगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं जो आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी।
तो गाइज ये थी हमारी कुछ ड्यू की गाइडलाइंस जिसको आपको फॉलो करना होगा और किस तरीके से आपको पेपर देना है उसके लिए मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है। और गाइज आप जल्द अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए क्योंकि गाइज जो इसके एग्जाम जो पैटर्न देखा जाता है जिस तरीके से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं गाइज वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाते। गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी जो भी आंसर शीट की होगी उसकी पीडीएफ 7 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर वो एक्सेस होगी तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। तो गाइज किस तरीके से हमें उसको रिड्यूस करना होगा या किस तरीके से पीडीएफ बनानी होगी, किस तरीके से उसे हम अपलोड करेंगे, इस चीज के लिए मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा जिससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगी। तो गाइज प्लीज चैनल पे बने रहें और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और गाइज जो भी आपकी गाइडलाइंस है मैं आगे आपको देता रहूंगा। ओके गाइज बाय।